हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरती यादव व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो गाइज, आज है 16 फेब और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 1 बजे के करीब दोपहर में। मैं नहा के आई हूँ जस्ट अभी, और आज हमें जाना है एक फंक्शन में, पार्टी है। आप लोग जानते होंगे श्रेया लव हैरी करके उनकी आइडिया, श्रेया की उनका बेबी शावर है आज, तो हमें वहीं फंक्शन में जाना है। तो मैं सूट वेयर करूंगी, बाद में दिखाऊंगी सूट आप लोगों को। तो मैं सोच रही हूँ, मेरे ना हमेशा बाल बहुत सिंपल से रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि कर्ल्स वगैरह करा लेती हूँ कुछ अच्छे तरीके से। तो हमारे घर के पीछे यहीं पे पार्लर है एक, तो मैं सोच रही हूँ वहां से करा के आ जाती हूँ। बाद में रेडी वेडी होके अपना सूट पहन लूंगी, रेडी हो जाएंगे। तो चलो मैं करा के आती हूँ, फटाफट दिखाती हूँ फिर आप लोगों को। अभी मेरे बाल देख लो कैसे हो रहे हैं। तो चलो अब मिलते हैं आप लोगों से कराने के बाद। सो गाइज, हम लोग आ गए थे नोएडा, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, और आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वाली क्लिप में कि मैं पार्लर जा रही थी बाल बनवाने, बट मैं नहीं जा पाई, और ये हेयर स्टाइल पूजा दी ने ही बना दिया था। फिर मैंने ऐसे ही ओपन रखे, और मैंने वेयर किया है ये येलो कलर का सूट जो कि बहुत प्यारा है। बाकी इसकी वीडियो मैं डालूंगी इंस्टा पे, जिस पेज से मुझे आया है ये, तो आप लोग वहाँ पे देखना। और यहाँ पूजा दी रेडी हो रही है, अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। मेरे ख्याल से 5 बज चुके हैं, 5:30 तक निकलेंगे। फंक्शन 4 बजे से है, हो चुका है मतलब स्टार्ट, तो चलेंगे। बाकी आप लोगों को दिखाएंगे, हम लोगों ने गिफ्ट वगैरह भी पैक करा लिए हैं जो हमें ले जाने हैं, बाकी आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ी देर में। सो गाइज, हम लोग निकल गए हैं, और मायरू को देखो आज हमने फ्रॉक पहनाई है। ये हमेशा टी शर्ट शर्ट ऐसी चीजें पहनती है, तो आज हमने सोचा आज कुछ अलग पहनाते हैं, तो आज हमने इसे फ्रॉक पहनाया है। और यहाँ पे हैं गिफ्ट्स, पैक करा लिए थे हमने महेंद्र भैया को भेज के। तो चलो मिलते हैं पहुँचने के बाद। पर्थला ब्रिज साइड पे कैफे है, ये हो रहा है लाइटिंग थोड़ी मेरे में भी ऐसी आ रही है। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में पहुंच के। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, हम लोग घर से निकल गए थे, धूप इतनी तेज है। हम लोग घर से निकल गए थे फंक्शन के लिए, बट पूजा दी ने श्रेया दी को फोन किया, तो उन्होंने कहा अभी आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा वो बोल रही हैं, हो सकता है ज्यादा टाइम भी लग जाए, शायद वो तैयार नहीं हुई है। तो पास में ही हमारा घर है गाँव वाला, तो हम लोग गाँव आ गए हैं दादी से मिलने, क्योंकि भैया वैसे भी आ रहे थे हमारे दादू जो है चाचा, उन्हें डॉक्टर पे दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं ऊपर। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन के बाहर, और काफ़ी देर हो गई है, ये गिफ्ट वगैरह खा लिया मैंने। अरे अरे तीन, ओए मायू, ये मायू को हमने कर दिया रेडी। वो ये शूज बना दिया, ये देखो कह रही है मेरे शूज। चलो भाई, तो ये है लोकेशन, इनका फंक्शन है श्रेया दी, अब आएंगे 8 बजे। गाइस हम लोग आ गए, श्रेया इधर आइयो, भाई बना दे क्या? नहीं देख के इसकी मम्मी से बोलो पहले, पर्स दे अपना। यहाँ बन रही है इनकी वीडियोस। गाइस यहाँ सारे खाने बैठे हैं। नोना नोना मेरे को दे दो, इनको पूछ लो मेरे को दे दो,
अभी तो खिला रहे थे यार। ऑफ कैमरा ये हो सकता है, ये ऑफ कैमरा वाली लड़की है, कैमरे पे नहीं है। अपनी चीज किसी को नहीं देती। ओहो, छोटे बेबी को भी नहीं दोगे? बता दो, छोटे बेबी को तो दे दो। उनका पहले को खिलाया भी बुआ की खुशी है। सो गाइस, मायरू और ये परेशान, हमने कर दिया इसके कपड़े चेंज, बस खाना ले आई मैं यहाँ पे। मायरा सो गई जी, तो कह रहे हैं घर जाके ऑनलाइन मंगाएगी जोमेटो, अंडों ना खा लिया। सो गाइस, हम मैं और राकेश भैया आए हैं पूजा दी को छोड़ने नोएडा, और मायरू को, मायरू सो गई थी अभी, उठी है जस्ट। और इन लोगों को छोड़ के मैं जा रही हूँ घर वापस दिल्ली। तो चलो निकलती हूँ, बस मैं वॉशरूम जाना है मेरे को, और थोड़ा सा मैंने लेना है, फिर निकलते हैं। सो गाइस, मैं फाइनली घर पे आ गई हूँ, और घर में अब तो वही सन्नाटा सा है, और सन्नाटा क्योंकि मायरा नहीं है, मायरा गई है नोएडा। और ये है मेरा फुल सूट, ये देखो, ये मुझे ना सोनिया डिज़ाइन करके एक पेज है उससे आया है, मैं इंस्टा पे उनकी आईडी मेंशन करूँगी, तो जिसे भी सूट पसंद हो वो भी मंगा सकता है अपने लिए। प्यारा है सूट ये देखो। तो चलो गाइस, फटाफट से कर लेती हूँ चेंज, जैसे अभी घर आई हूँ मैं, फटाफट चेंज करने के बाद मिलते हैं फिर आप लोगों से। सो गाइस, मैं चेंज करके आ गई हूँ, मैंने मेकअप रिमूव कर लिया है, और हेयर मतलब मैंने अपना हेयर स्टाइल नहीं खोला अभी तक, सोच रही हूँ वैसे ही सो जाती हूँ, कोई नहीं सुबह खोल लूँगी, क्योंकि अभी बंधे हुए हैं, अभी ना खोलूँगी तो ये वैसे ही गर्ल गर्ल अजीब से हो जाएंगे, तो देखती हूँ या तो खोल ही लेती हूँ या खोल लेती हूँ। यार पिन चुभेंगी, इतनी सारी पिन लगा रखी हैं पूजा दी ने, ये हेयर स्टाइल मेरा पूजा दी ने बनाया था, तो इतनी सारी पिन ठोक रखी हैं मेरी बहन ने, तो निकाल ही लेते हैं, खोल लेते हैं इसे। और गाइस, काफ़ी अच्छा था सब, मतलब ये होता है कि जितने भी हम लोग फ्रेंड्स हैं ना इंस्टाग्राम के थ्रू बने हैं, हम सारों का ये होता है किसी ना किसी फंक्शंस में मिल लेते हैं, और यही है किसी के फंक्शन में सब आ रहे हैं तो सब मिल लेते हैं, वरना ऐसे कौन ही कहाँ मिल पाता है ये वो, तो अच्छा लगता है यार, मज़ा आता है काफ़ी। तो गाइस चलो, इस वाले ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस पता है मैंने, मतलब मैं पता नहीं मेरे को क्या होता जा रहा है क्या नहीं, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैंने इससे पहले भी एक ब्लॉग बना रखा है, बट मुझे अपलोड करने में बड़ा आलस आता है, एडिट करके भी रखा हुआ है पर अपलोड करने में मुझे आफत आती है, पता नहीं क्यों, क्या होता जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, इस वाले व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।